लोग बिना लोगों को भी मार लो, फिर मैं बाहर आके मत बोल लो कि सर मेरा नहीं है। सबको आदाब। एक खास इन्फॉर्मेशन पे साउथर्न टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी और अमीर चौक पुलिस स्टेशन स्टाफ मिलके एक फेक करेंसी चलाने वाले गैंग को गिरफ्तार किया, जिनके पास 2.5 लाख रुपए बरामद किया, जिसमें शाकिर है पुसलूर गांव कर्नाटका राज्य से रहने वाले, जो NS कंप्यूटर्स और जेरोक्स शॉप चलाते अपने चलाते। इन्होंने प्लान बनाया एक फेक करेंसी, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए फेक करेंसी नोट्स, जो 100, 200, 500 और 2000 नोटों को छाप के पैसा ज़्यादा कमाने का प्लान बनाया था। उसके लिए अपना रिश्तेदार है, उनका रिश्तेदार अनसर जो लातूर जिले महाराष्ट्र से रहने वाला, उनका हेल्प लिया था। उनके साथ वो एक्सचेंज करते थे 8000 ओरिजिनल करेंसी के लिए 50000 फेक करेंसी देते थे। ये जो अंसार है वो यहाँ पे शेख इमरान जो फलकनामा पे रहने वाले, उनसे फिर एक्सचेंज करते थे जो 15000 ओरिजिनल करेंसी को 50000 फेक करेंसी देते, ताकि उसको सर्कुलेशन पे ले आने के लिए। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे हमारा कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और मिर्चौक पुलिस MGBS का आउटगेट पे उन लोग को गिरफ्तार किया था, और उन लोग से ये 2.5 लाख रुपए जितने भी है हम लोग सीज किया था। ये सारी ऑपरेशन श्रीमती स्नेहा मेहरा IPS एडिशनल DCP टास्क फोर्स साउथ जोन के नेतृत्व पे हुआ, और इसमें राघवेंद्र इंस्पेक्टर साउथ जोन टास्क फोर्स और अप्पल नायडू इंस्पेक्टर मिर्चौक पुलिस और SIs इन श्रीशैलम वी नरेंद्र के नरसिम्हलु शेख बुरान और बाकी स्टाफ साउथ जोन टास्क फोर्स का स्टाफ शामिल थे। इन सबको पुलिस डिपार्टमेंट की साइड से बधाई देता हूँ। थैंक यू। कितनी जगह की है, कितना करेंसी सर्कुलेट हुआ मार्केट में? अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। अभी एक्चुअली जब मनी पकड़ा था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो आया, उन लोग ने ये लो क्वालिटी नकल बनाने की कोशिश किया था और इसको सर्कुलेट करने पे यहाँ पे लेके आए, तो विद इन्वेस्टिगेशन हमको पता चलेगा और कहाँ कहाँ और किस किस के थ्रू उन लोग ने पैसा सर्कुलेट करने का कोशिश किया। कुछ अदर स्टेट में भी कॉन्टैक्ट्स हैं? हाँ बिल्कुल, बताया था आपको, जैसे कि इमरान, जैसे कि अंसार है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है लातूर जिले, और जो मेन शाकिर जो मेन अक्यूज है वो कर्नाटक का रहने वाला है। तो एज ऑफ नाउ ये इंटरस्टेट गैंग है, ये तो क्लैरिटी है कि हमारा अभी तक फिलहाल इन्फॉर्मेशन पे वो कर्नाटका महाराष्ट्र और तेलंगाना पे ऑपरेट कर रहे हैं, और जैसे कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ट्राई करेंगे तो क्या कौन कौन कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है सबका डेटा हमको